तथा दोनों हाथों को कंधों की सीट में रखें। धीरे धीरे हाथ ऊपर करते हुए नमस्कार की पोजीशन में आ जाएं और धीरे धीरे दोनों हाथों को फिर से कंधों की सीट में रखें तथा बाएं पांव को फिर जमीन पर रखें और सावधान की अवस्था में आ जाएं। हम दूसरा आसन करने जा रहे हैं। दूसरा आसन का नाम है ताड़ासन। ताड़ासन करने से हमारा शरीर संतुलित रहता है तथा हमारी एकाग्रता क्षमता बढ़ती है। ताड़ासन करने की विधि, सभी बच्चे सावधान की अवस्था में आ जाएं तथा दोनों हाथों को सीधा कान की सीट में कर लें। दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाएं तथा हथेलियों को आसमान की ओर करें। सभी बच्चे अब पांवों की उंगलियों पर खड़े हों तथा पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचें। सभी बच्चे पंजों को नीचे करते हुए जमीन पर रखें तथा दोनों हाथों को सावधान की अवस्था में लाएं। अब हम आप सभी के सामने त्रिकोण आसन करने जा रहे हैं। त्रिकोण आसन करने के लाभ, त्रिकोण आसन करने से हमारे शरीर में खिंचाव आता है जिससे हमारी रक्त संचरण क्षमता बढ़ती है तथा उसी कार्य विधि, सभी बच्चे दोनों पांवों को कम से कम 2 फीट फैला लें तथा दाएं पांव को बाहर की ओर निकालें और दोनों हाथों को कंधे की सीट में रखें। अब धीरे धीरे दाएं पांव को दाएं हाथ से छुएं। सभी बच्चे बाएं हाथ को देखें तथा गर्दन सीधी करें। फिर पुनः अवस्था में दोनों हाथ कंधों की सीट में करें। अब बाएं पांव को बाहर की ओर निकालें तथा बाएं हाथ से बाएं पांव को छुएं तथा गर्दन से दाएं हाथ को देखें। पुनः गर्दन को सीधा करें और दोनों हाथों को कंधे की सीट में ले आएं तथा सावधान की स्थिति में आ जाए। अब हम आप सभी के सामने बाल आसन करने जा रहे हैं। बाल आसन करने के लाभ, इससे हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है तथा घुटने मजबूत होते हैं। सभी बच्चे ब्रज आसन में बैठ जाएं घुटनों के बल तथा पांवों के पंजे पीछे की ओर निकाल लें और अपने हाथों को सीधा ऊपर उठा लें। सांस छोड़ते हुए सभी बच्चे अपने हाथों को जमीन से मिलाएं तथा गर्दन को जमीन से मिलाएं। सभी बच्चे धीरे धीरे गर्दन तथा हाथों को सीधा लाएं। पुनः दोनों हाथों को जमकर रख लें। अब हम आप सभी के समक्ष श्वास आसन करने जा रहे हैं। सभी बच्चे पीठ के बल लेट जाएं